तो स्वागत है दोस्तों आपका पानी पूरी वाले भैया के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका, एकदम सटीक 100% ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे पानी पूरी का पानी आपका काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहेगा और बहुत जल्दी बन भी जाएगा। लेकिन इसमें ना दो तरीके होंगे, देखो वीडियो को पूरा देखना। कैसा मतलब, सिर्फ मैं तरीका ही दिखाऊंगा लेकिन आपको समझ आऊंगा दो बार। एक तो आप घर में बना सकते हो, सिर्फ एक मिनट लगेगा फटाक से। जैसे पानी पूरी जो मंगाते हैं ना बाहर वाली, अपन वो वाली पानी पूरी आप मंगा सकते हो, उसको तल के आलू उबाल के, लेकिन पानी आप एकदम चुटकी में बना सकते हो। और इसी का आपको ज़्यादा टंकी में बनाना है तो उसका ही मैं तरीका बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ना इमली को अभी फुला के रख दिया है, ये देखो, और इसमें पानी में डाल दिया है। अभी ज़्यादा इमली नहीं है, थोड़ी सी ही इमली है। और ये ना देखो, इसमें बीज नहीं है, आप लोग देख सकते हो इसमें बीज नहीं है। अब आप लोग सोचते होंगे कि बीज वाली इमली अलग होती है, बिना बीज वाली अलग होती है। बीज वाली इमली आती है 40 रुपये किलो के आसपास, और दोस्तों बिना बीज वाली इमली आती है 60 या 70 रुपये किलो के आसपास। आपके तरफ इमली का क्या रेट है कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी मैंने इसको फुला दिया है, 5 मिनट हो चुका है। इसको मैं गुदलूंगा नहीं, वैसे आमतौर पर पानी पूरी वाले भैया लोग क्या करते हैं, मैं खुद करता हूँ जैसा कि, और मैं बताना चाहूँगा कि मैं पानी पूरी वाला भाई हूँ। तो इसमें वीडियो आपको स्टार्टिंग मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये जो इमली है इसको मैं ना पीस दूंगा, पूरा मिक्सी में पीस दूंगा। उसके बाद इसका पल्प निकालेंगे, उसके बाद इसमें नमक मिर्च मिला के फटाक से बना देंगे। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं, इसको ना मिक्सी में डाल के सीधा पूरा पीस दीजिए। इसके साथ नमक मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक, धनिया सब कुछ डाल दीजिए, बराबर हो जाएगा सब। तो दोस्तों मैंने मिक्सी जार ले लिया है, ये देखो, और इसमें ना मैं इमली डाल दे रहा हूँ पूरी। हल्का सा छाटना पड़ेगा ताकि ये जो इसके डंठल रहते हैं ना वो निकल जाए, ये देखो, और जैसे जैसे रहेंगे ना वो भी उसमें निकल जाएंगे खुद ही। तो इमली डाल दी हम पूरी, ठीक है। और उसके बाद ये देखो पुदीना पत्ती, 3-4 पत्ती ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद इसी में डाल देंगे अपन हल्का सा काला नमक, ये देख सकते हो आप लोग, ये काला नमक डाल दिया हल्का सा। और ये रहा जीरा धनिया का पाउडर। ये सब सामान ना हम लोग अपनी दुकान में ले जाते हैं, इस सब के वीडियोस जो बनाए हुए, ये जीरा धनिया का पाउडर, इसका वीडियोस मेरे चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। इतना सा जीरा धनिया डाल दिए। और ये रहा अदरक, ये हल्का सा ना अदरक किस के डाल देंगे इसमें, क्योंकि ना आप छोटा सा टुकड़ा डालोगे ना तो वो आपका पीसेगा भी नहीं। अब इसके बाद दोस्तों डाल दे रहा हूँ इसमें मैं 1 चम्मच सफ़ेद नमक, ये रहा। और दोस्तों उसी में ना ये हरी मिर्च के टुकड़े डाल देंगे छोटे छोटे, और इससे ना पानी तीखा हो जाएगा लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं होगा, अच्छा फ्लेवर भी आएगा इससे। तो 1 मिर्ची डाल दिया हूँ, 2 मिर्ची डाल दूंगा बस। दोस्तों इसमें ना अब मैं धनिया पत्ती डाल दे रहा हूँ काट करके थोड़ी थोड़ी बारीक। और फाइनली ये देखो, इसमें ना हल्का सा हींग भी ऐड कर रहा हूँ ताकि इसमें ना अच्छा फ्लेवर आ जाए। ये थोड़ा सा हींग डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं। अब इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे। अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा चलाया हूँ, अब इसमें हल्का सा पानी डाल दे रहा हूँ, इसको पीसने के लिए हल्का सा पानी डाल रहा हूँ, बाद में इसमें पानी और ऐड करना पड़ेगा हल्का सा आपको। तो देखिए दोस्तों पानी डाल दिया है मैंने, इसमें और पानी डाल दे रहा हूँ। अब इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेना है, आपका पानी रेडी है। अब दिक्कत ये है कि जैसे कि ये बीज आया है निकल के छिलका, इसको आप निकाल सकते हो इजीली, ऐसे करके निकाल सकते हो। छानोगे ना, देखो छानने से क्या होगा कि छानने से ना पूरा आइटम इसका छन जाएगा, जो भी इसका फ्लेवर रहता है ना वो सारा कुछ छन जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा उसके बाद। तो दोस्तों पानी मैंने रेडी हो गया है, और ये देखिए मैं भी रेडी हो गया हूँ नहा धोवा के। तो चलिए इस पानी को ना सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। और ये पानी ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ना टाइटल में लिखा है कि 2 मिनट में पानी पूरी का पानी बनाए, बल्कि 1 ही मिनट में। तो आपको ना आधा मिनट भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ना सामान वहाँ पर रखना, इकट्ठा पीस देना है, पानी पूरी का पानी बन गया। मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये शब्दों को बोल रहा हूँ, तो उससे ना वीडियो बड़ी हो गई, उसे चक्कर बता रहा हूँ। पानी आ गया यार। तो दोस्तों पानी पूरी खा लेता हूँ, मसाला नहीं है तो भाई टेस्ट कर लूँ। सब बढ़िया है, हल्का सा नमक कम है बस। आप लोग ये सब करने के बाद ना थोड़ा सा देख लेना कि नमक कम है कि नहीं है, बाकी नमक कम है भाई, थोड़ा सा बता रहा हूँ पहले, फिर भी ना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों पानी पूरी तो खा ली, और पानी पूरी का पानी ना काफ़ी ज़्यादा शानदार बना था, थोड़ा मोड़ा नमक कम हो जाता है लास्ट में चलता है उतना। हाँ, तो चलिए दोस्तों मैंने ये दिखाना चाह रहा था कि क्या क्या सामान डालते हैं और ये सामान डाल के आप कितना जल्दी पानी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पानी पूरी भैया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोज देखने को मिलती रहेंगी। आपको किस बारे में कैसी वीडियोज चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं।
तो अभी दोस्तों मैं अपनी पानीपुरी की दुकान खोल लिया हूँ और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो ना तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके उसका सलूशन ले सकते हैं। पहले लेवल को ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको ना कमेंट्स के रिप्लाई मिलेगा, जो भी आप कमेंट्स पूछेंगे उसका सही तरीके से एकदम सटीक। और दूसरा आप ज्वाइन करेंगे 160 रुपये महीना, मतलब रोज के 5 रुपये लगेंगे बस। 160 रुपये महीने में आप मेरे से बात करेंगे और कोई भी क्वेश्चन होगा आपका पानीपुरी दुकान से या फिर पानी से टिक्की से, पानीपुरी फूल नहीं रही है पचक रही है वो, तो आप उसको 150 रुपये ज्वाइन करके 160 रुपये पड़ेगा, मतलब रोज का 500 रुपये पड़ेगा, तो अपना बात कर सकते हैं मेरे से। वहाँ कमेंट करिएगा, अपना नंबर कमेंट कर दीजिएगा, मैं खुद आपको फोन करूँगा। और दोस्तों तीसरे लेवल की बात करें तो उसमें ना 300 रुपये लगेंगे, मतलब पर डे का 10 रुपये। उसमें मैं वीडियो कॉल करके खुद बताऊँगा आपको कि आपको कैसे आटा सानना है, ऐसे कैसे लगाना है और क्या क्या सामान डालना है, ये सारा कुछ वीडियो कॉल करके। तो उसमें आपको 300 रुपये मंथली पड़ेंगे, मतलब रोज के 10 रुपये, तो सही रहेगा। देखिए ज्वाइन करिए और मिलते हैं, फिर कनेक्ट होते हैं।